नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या। जंगली घाट फिश लैंडिंग जेट्टी में बड़े बोट के बढ़ती होने से छोटे बोट मालिकों में जबरदस्त आक्रोश है। आपको बता दें कि छोटे बोट मालिकों का कहना है कि बड़े बोट के कारण जेट्टी में अपनी डिंगी बर्थिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि बड़े बोट पूरे जेट्टी क्षेत्र को आक्रमण कर लिया है। कई बार इस मामले को लेकर हंगामा भी हुआ है। वहीं छोटे डिंगी वाले मछुआरे इस समस्या को लेकर कई बार मत्स्य विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में निजात नहीं मिला है। वहीं मछुआरों का कहना है कि फिश लैंडिंग जेट्टी का बड़ा बोट की बर्थिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि जेट्टी पर उतनी जगह नहीं है जिससे दूसरे छोटे बोट की बर्थिंग हो सके। लेकिन बड़े बोट कई दिनों तक जेट्टी पर ही खड़े रहते हैं और छोटे बोट जेट्टी में जगह नहीं होने के कारण बर्थिंग नहीं कर पाते हैं। हम लोग का बोट है ना, अभी जंगली गढ़ मैक्सिमम बना इतना बोट है, छोटा बोट ओके। अगर हम लोग पर बहुत जाएगा तो कम दे दिया था। पहले से डिपार्टमेंट है ना, पहले से डिवाइड कर लिया था, पानी डिवाइड कर लिया था। लेकिन हम लोग फिर भी इसको बच्चे छोड़ना कटा निकालने का टाइम में निकाल के फिर बाहर करेंगे तो सोच कैसे रनिंग होता था काम। अभी तो धीरे धीरे ना सब लोग बोट बना के फिर कितना बोट बना के रखे थे। इधर तो ना इधर देख लिए आप लोग, लकड़ी साहब इधर रखे ना, वो सब पुराना बोट है, काम करने के जाएगा नहीं है। खाली जा रही है इसी से आना, बच्चे उतरना, फिर आई चढ़ाना, फिर यहाँ से बोट निकालना, उस तरह नहीं करता। थोड़ा थोड़ी उम्र आप से जितने को साथ रहेगा वही काम करते रहेगा, रिपोर्ट काम उधर ही करते रहेगा, इंजन का काम इधर भी करते रहेगा। लेकिन हम लोग को जो काम है वही करना, जितने क्या है समझ से आना, मच्छी उतरना, फिर जाना, फिर आई चढ़ा से निकलना। लेकिन हम लोग को जो जेट्ने कितना भाई, बहुत छोटा है जेट्ने, फिर भी इतना बोट है बना के रखने से कैसे होएगा भाई। हम लोग को भाई अभी है ना पानी तो चढ़ते है, ठीक है चलेगा। पानी उतरने का टाइम में ना हम लोग को कोई भी लोड बोट आने से कुछ से यहाँ तो नहीं आ सकेगा, बोट यहाँ से यहाँ में रुक जाएगा। फिर हम लोग मच्छी देना बोलने से कैसे देगा, पर हम लोग यहाँ से आ सकते ना, बोट यहाँ से पानी रहेगा, वहाँ से पानी सीख जाएगा, फिर नहीं जाएगा ना, जाने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना बार डिपार्टमेंट को बताया था, कितना बार बोला था, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या खड़ा कर रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है भैया, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। रेस्पॉन्स तो कोई अभी तो ना जो हम लोग को तकलीफ तो बोलते ना, बोलने के बाद तो कोई भी रेस्पॉन्स देने से फिर वही तकलीफ तो क्लियर होना ना, फिर भी ज़्यादा हो रहे हैं। डिपार्टमेंट से ना डिपार्टमेंट से कोई एक्शन नहीं लेते भैया। हम लोग का अभी 25-20 लाख तक बोर्ड बना था, हम लोग को जेट्टी में बनाता है, अभी तो कितना बोर्ड बना था ना, फिर आप लोग को ये बोर्ड से रिपोर्ट कर देना, उधर जाके कोई भी जगह में बना सकते ना जेट्टी के। अभी कितना एक बार 4 महीने 6 महीने से इधर तो पड़ा है बोर्ड। अच्छा, बड़ा बोर्ड से प्रॉब्लम आप लोगों को, बड़ा बोर्ड से फिर आने का हमको मुश्किल होता है ना मच्छी देने के लिए। अभी इधर इसी तरह बांधने से कैसे होएगा, ये बोट नहीं आने से हम लोग इधर 10-20 बोट तक बांध सकते हैं, फिर इधर तो हम लोग खाली होएगा ना, फिर हम लोग कोई भी हमें से आने वाले बोट कोई भी बोट अंदर आ सकते हैं, अंदर आकर मच्छी देगा, फिर लोड बोट आएगा, फिर रिंगजल आएगा, वो 4 टन लेकर आएगा। किसी को कंप्लेंट करेंगे, पहले कंप्लेंट दिया सर, किसी डिपार्ट को दिया था। अच्छा, फिर हम लोग का किसको डिपार्टमेंट से कैसे रेस्पॉन्स ले लिया, रेस्पॉन्स देने से फिर उसमें का बोर्ड आता ना कुछ एक्शन ले लिया, उसका मतलब क्या, हम जो प्रॉब्लम बताए ना उसमें एक्शन नहीं लिया था, एक्शन लेने से बोर्ड तो खाली होना ना, खाली तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वो एक्शन नहीं है, आगे बढ़ते भी नहीं हम लोग को प्रॉब्लम, ऐसे बढ़ते रहते हैं, उसमें क्लियर नहीं होता है भैया। गुरु एक ही प्रॉब्लम है, घड़ी घड़ी बोलेंगे हम लोग को चर्म लगता है भैया, हम लोग का फिर मैंने जो हेल्प करना करे ना, फिर तकलीफ आगे बढ़ते रहता है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।